नाम मेरा बताइए। नाम पारो देवी है, मैं जाले शंकर चक्का रहने वाली हूँ। मैं सब परिवार में अपने पति के साथ मेरे बेटा बेटी के साथ घर में बैठे हुए थे। अचानक पुलिस घर में आया और मारते मारते घर से बाहर लाया। हम पूछने लगा कि क्यों मार रहे हो, तो बोला चलो बाहर चलो, खूब मारा खूब मारा। तब मेरी बेटी घर से मारते हुए बाहर लाई, घर से मारते हुए बाहर लाई आ मारते रह गई। तब मेरी बेटी लोग देखी तो अपने चाची लोग को दादी लोग को खबर दी आ तब वो लोग सब आई देखने क्यों क्यों मार रही है क्यों मार रही है। तो पुलिस क्या बोला? पुलिस बोला कि बोलेगी ना तो और मारूंगी तुझे। अब घर से बाहर निकले तो बाहर में पुलिस का गाड़ी भी था कि ऐसे पैदल आया था पुलिस? हम नहीं देखे, आंगनबाड़ी के आगे में लगा हुआ था, सब लोग बोले कि आंगनबाड़ी के आगे ही लगा दिए। आप घर से जब बाहर निकल के गए तो गाड़ी खड़ा था? हाँ घर से बहुत आगे खड़ा था, आंगनबाड़ी के आगे में, आंगनबाड़ी के पास गाड़ी खड़ा था। हाँ, पुलिस का गाड़ी खड़ा था। फिर उसके बाद यही मेरी बेटी देखी, वो चाची को बुला के लाई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है रोशनी कुमारी। मम्मी को मारी है तो तुम देखी है? हाँ, 8-9 डंटा मारे मेरी मम्मी को। तुम्हारे सामने में मम्मी को मारी है? हाँ। क्या मारी है? 8-9 डंटा। तुम्हारा नाम क्या है? लाडली कुमारी। तुम्हारा नाम क्या है? लाडली कुमारी। तुम्हारे सामने में मम्मी को मारी है? हाँ। पुलिस जब आई है तो तुम्हारे मम्मी को मारी है? हाँ। कितना डंटा मारी है? 8-9 डंटा मुझे मार लग गया ना। जब आपको मार लगा उसके बाद आप जाले गए नहीं थाना में? हाँ, थाना में सभी पड़ोसियों के साथ गए हुए थे। तो थाना वाला क्या बोला? सभी लोग तो गए मेरे साथ। हम थाने वाले को बोले कि ये मेरे घर पुलिस आकर हमें बहुत घर में घुसकर मारा, तो वो परिजन पासवान बोले कि जाओ अभी कुछ नहीं करेंगे, कल लाना सवेरे देखेंगे, कल सवेरे अभी कुछ नहीं करेंगे, कल आना। कुछ नहीं करेंगे, सब लोग थे हमारे अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में, सब लोग के गए, पूरे चौक पर भी हल्ला हो गया था, सब एक दो आदमी चौक पर के भी गए थे, मेरे मोहल्ला के सब लोग गए थे। तो कुछ नहीं जवाब दिया, बोला जाओ कल आना। कुछ नहीं जवाब दिया, बोला कि जाओ कल बात करेंगे, अभी नहीं होगा, अभी बहुत रात हो चुका है। कितना बजे गए थे? 10 बज रहा था करीब, 10 तारीख को रात में हमें मारा। तब महिला थाना हम आवेदन देने गए, महिला थाना दरभंगा में आवेदन देने गए, दरभंगा में आवेदन देने गए। तो क्या बोला? तो वो बोला कि अभी सर डीएम सर दूसरा समन है, अभी जाओ कल आना, हम कल शाम तक ले बैठे हुए थे। फिर क्या तारीख को बुलाया? बिहान 11 तारीख को हम महिला थाना में जब आवेदन दिए तो महिला थी वो बोली कि तुम जाओ 13 तारीख को आना और उसके बाद कुछ होगा। तो हम नाच में आए, सांझ के समय था, 6-7 बज रहा था, इतना बहुत तबीयत खराब हो गया था मेरा। तो उसके बाद फिर? उसके बाद हम हॉस्पिटल अपने पति को लेकर के गए। तब डॉक्टर साहब बोला कि क्या होता है, हम बोले कि मुझे बहुत जोर दे हाथ में दर्द हो रहा है, बहुत तबीयत खराब है, सीरियस हूँ मैं। तो बोला ठीक है, कल कब से हो रहा है, हम कल बोले कल से। हम दरभंगा महिला थाना से आए तो मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था। तो हम अपने पति के साथ वहाँ हॉस्पिटल में गए कि चलो मेरा तबीयत बहुत खराब है, जो डॉक्टर से दिखाएंगे। तो गया तो दवाई डॉक्टर लिख दिया, 3 कहाँ गए? हॉस्पिटल, जाले हॉस्पिटल, जाले हॉस्पिटल, जाले हॉस्पिटल में दवाई दिए। डॉक्टर देखा? हाँ देखा डॉक्टर। बोला कब से है? डॉक्टर का पुर्जा कहाँ? हाँ यह है डॉक्टर का पुर्जा। तो डॉक्टर 3 सुइया दिए, 1 गोटी का पता लिखा। हाँ तो वही दवाई खाए। तब हमें वहाँ से आए, दवाई लिख दिए, 3 पहले सुइया दिए, दवाई दिए, तब आए हम घर पे। फिर उसके बाद कहाँ गए? हॉस्पिटल से आए तो फिर? हम हॉस्पिटल से आए तो 13 तारीख को दरभंगा फिर महिला थाना गए। महिला थाने वाले बोले कि बैठिए, हम बुला रहे हैं। बैठते बैठे सांझ हो गए सर, तो हम कुछ नहीं किया,
तो हम आ गए। हम इसी बात से हम आपसे गुजारिश करते हैं, गोहराते हैं कि मेरा न्याय चाहिए। मुझे मार लगा है, घर में घुस के मारा, इसी के लिए हम न्याय चाहते हैं। हमारे बहुत मार लगा है, हमें बहुत मार लगा है, इतना मार कभी नहीं हमें लगा था। तो कौन सब देखा है मार लगा? कौन सब देखा है? मेरा पति है सामने, यही आप देखे देखा हैं? है खुद सामने मारा। देखे हैं? हम देखे हैं। क्या देखे हैं? घर में से खींच कर के लाया हमारे परिवार को, अथी बाहर में मारते, भीतर से लाया, मारते मारते लाया यहाँ पर, 6-7 घंटा आहुत हम दिया खींच करके। घर में से पीटते पीटते लाया? घर में से पीटते पीटते लाया। घर में से पीटते पीटते लाया कि यहाँ पर पीटा है? घर